नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइट, मैं प्रगति आपके साथ। जैसा कि हम सीबीसी के कई इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ साझा किए हैं, पर आप सबको अच्छे से पता है कि 4 जुलाई से सीबीसी नाम की ऑनलाइन अर्निंग का दावा करने वाली कंपनी अपने कस्टमर्स को उटपटांग नोटिस दे रही है। कभी कस्टमर से 20% टैक्स मांग रही है, तो कभी उनके बैंक अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर देने की बात कह रही है। कंपनी द्वारा जारी किए गए नोटिस में साफ साफ बोला गया था कि कंपनी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस तथा कुछ टेक्निकल चीज़ों को अपडेट कर रही है, जिसके बाद 8 जुलाई से कस्टमर अपने पैसे विड्रॉल करने लगेंगे। लेकिन आज 8 जुलाई हो गया और कंपनी अभी तक किसी कस्टमर को पैसे वापस नहीं की। जो कस्टमर 18% टैक्स पे कर दिए हैं, उनके सीबीसी अकाउंट में कुछ ऐसा शो कर रहा है जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसके केवल बैंक प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहे हैं। कंपनी थोड़ा और समय मांग रही है। हमारी टीम ने अपने क्षेत्र के कुछ कस्टमर से मिलकर उनसे बात की और उनके सीबीसी अकाउंट को चेक किया। सारे यूज़र में एक ही चीज़ शो कर रहा है, बैंक प्रोसेसिंग। और अगर वहीं बात किया जाए जो कस्टमर ने 18% का टैक्स नहीं पे किया है, उनके सीबीसी अकाउंट में विड्रॉल फंक्शन नॉट इनेबल्ड शो कर रहा है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या सीबीसी 18% तक तय करने वाली कस्टमर्स के पैसे वापस देती है या नहीं। जो कस्टमर 18% का टैक्स पे नहीं किए हैं या नहीं करने वाले हैं, वो तो भूल ही जाए कि कंपनी उनके पैसे वापस करने भी वाली है। कंपनी को तो बहाना चाहिए था कस्टमर कोई छोटी सी गलती करे और उनको पैसा ना देना पड़े। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि कंपनी का ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध नहीं है और ना ही इसका रजिस्ट्रेशन डिटेल किसी के पास है, और साथ ही इसका कुछ पता ठिकाना भी किसी के पास नहीं है। इसे देखकर साफ जाहिर हो रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। कंपनी या कंपनी के कस्टमर केयर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट करने का एक ही मात्र तरीका है, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैट। इसके टेलीग्राम ग्रुप को लीसा नाम की एक लड़की हैंडल करती है। पहले तो यह लीसा नाम की लड़की रिप्लाई करती थी, कस्टमर के सारे डाउट्स को सॉल्व करती थी, लेकिन आजकल कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती। रिस्पॉन्स में एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ जाता है जिसमें रिचार्ज करने को बोला जाता है। न्यूज़ लाइट के एक टीम मेंबर ने सीबीसी पर बनी हमारी लास्ट वीडियो का लिंक उसके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। 10 मिनट के अंदर लिंक को डिलीट कर दिया गया और हमारे टीम मेंबर को ब्लॉक कर दिया गया। अब वह ना ही मैसेज भेज सकता है और ना ही मैसेज देख सकते हैं। हमारी टीम उनके टेलीग्राम ग्रुप पर सुबह से ही नज़र रखी हुई है। ग्रुप में सीबीसी कस्टमर काफ़ी आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। लीसा और सीबीसी की पूरी टीम को अपशब्द और भला बुरा कह रहे हैं। आखिर बोलेंगे भी क्यों नहीं, उनके मेहनत और कमाई के पैसे कोई कंपनी ऐसे लूट कर भाग जाएगी तो मुंह से भला बुरा तो निकलेगा ही। लेकिन आप सभी व्यूअर को भी सोचना चाहिए कि यह आपकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। सही जगह निवेश हो, अगर आप अपने पैसे ऑनलाइन निवेश करना चाहते हैं, तो कंपनी के सारे डिटेल्स और पिछले हिस्ट्री पता करिए। और सबसे ज़रूरी बात, उस कंपनी का फीडबैक और रिव्यू गूगल पर चेक करिए, तब ही अपने पैसे इन्वेस्ट करिए। और रही बात सीबीसी की, तो अगर सीबीसी आपके पैसे नहीं देती है, तो कैसे आप साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पैसे फंस चुके हैं, ताकि उन्हें भी यह इन्फॉर्मेशन पता चले। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।